सीएम नितिन भाई पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी रहा छे, सीधा जईशुं त्यां। राज्यमां नवा युवानोने अत्यारनी पेढ़ीने ने आवनारी पेढ़ीने शैक्षणिक रीते अनेक प्रकारनी सुविधाओ प्राप्त करावा माटे स्कूलों कॉलेजो छात्रालयो वगैरह की स्थापना करी अने गुजरातना हजारों युवानों ने तेजस्वी कारकिर्दि प्राप्त थाय अने गुजरातना युवानों दुनिया भर में छवाई जाय ए माटे अनेक प्रकारनी मदद सहाय करी रही छे। ए पैकीनी गुजरातनी अग्रगण्य संस्था सरदार धाम अमदावाद द्वारा पाटीदार समाजना दीकरा दीकरीओने बधा ज प्रकारनी सुविधाओ व्यवस्थाओ कोचिंग अने लाइब्रेरीनी व्यवस्था छात्रालयनी व्यवस्था वगैरे प्राप्त करावी गुजरातना दीकरा दीकरीओ वधु ने वधु सारी तेजस्वी शैक्षणिक कारकिर्दी प्राप्त करे अने गुजरातना दीकरा दीकरीओ नवी पेढ़ी अने आवनारी पेढ़ी औद्योगिक क्षेत्रे व्यापारिक क्षेत्रे अने शैक्षणिक क्षेत्रे खूब प्रगति करे ए प्रकारनी सेवा सरदार धाम द्वारा सरदार पटेल रिंग रोड अमदावाद उपरना विशाळ कैम्पसमां अनेक प्रकारनी सुविधाओथी सुसज्ज एवा सैकड़ों करोड़ रुपयाना खर्चे जेनुं निर्माण थयुं छे एवा बे विशाळ एकमोनुं આજે માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી દ્વારા ઉદઘાટન અને ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું છે। સરદાર ધામ દ્વારા નિર્મિત 200 કરોડના ખર્ચે જે તૈયાર થયું છે એવા કેમ્પસનું આજે ઉદઘાટન મોદી સાહેબે કર્યું છે એવી